अरे आप कब आए? अभी। बहुत परेशान दिखते हो, क्या हुआ? क्या होगा? अरे इतने चिल्लाते क्यों? परेशान नजर आ रहे थे इसलिए मैंने यूं ही पूछ लिया। नहीं चाहते हो तो नहीं पूछूंगी दोबारा। अब साफ साफ बता दो क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया? कहा क्या, धमकी दी। धमकी दी? किसने? उन लेनदारों ने। कह दिया कि 10वें दिन सब पैसे लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा, गाली गलौज की। जाते जाते जान लेने की धमकी भी दे गए वो। अब भाई अकल ठिकाने, जब बुढ़ापे में पिटने की बारी आई तब। अरे मैं मना करती थी कि जुआ मत खेलो मत खेलो। अरे जुआ खेलने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, मगर आप हैं कि मेरी एक बात नहीं सुनी। रातों रात आपको तो लखपति बनना था ना, कर्जा लेकर भी खेलते रहे जुआ। अरे मेरी एक बात सुनी होती तो आज बुढ़ापे में पिटने की बारी ना आती थी। अब फालतू की बातें बंद करो, पैसों का इंतजाम करना है तो करना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। चाहे जैसे भी हो मतलब? मैंने कुछ सोचा है प्रमिला। क्या सोचा है आपने? देखो किसको बताना नहीं, तुम्हें मुझे इसमें साथ देना होगा। किस बात में? राजू ने पुरुषोत्तम भाई साहब को देने के लिए ढेर सारे पैसे और सेवर अपने कमरे में रखे, बस ताक लगा कर उसे ले लेंगे। तुम्हें राजू पर नजर रखनी होगी, वो कमरे से कब बाहर जाता है, कब आता है, कितनी देर में आता है। तो क्या आप चोरी करेंगे? चोरी कैसी? राजू हमारा बेटा है, उसके पैसे हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे लेना चोरी थोड़ी ही होता है। देखो राजू को हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, अब आज हमारे ऊपर संकट है तो क्या वो हमें मदद नहीं करेगा? बच्चा है, थोड़ा लालची हो गया है, इसीलिए सीधी रीत से पैसे देने से इनकार कर रहा है, तो उंगली टेढ़ी करके ले लेंगे, इसमें बुराई क्या है? मगर किसी को पता चल गया तो? तुम अपना मुंह बंद रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर इतने सारे रुपये गायब हो जाएंगे तो क्या राजू को पता नहीं चलेगा? चोरी हो गई, घर में नौकर है, कितने लोग आते जाते रहते हैं, कितने पैसे चुराए, किसको पता? नहीं मगर फिर भी अगर राजू को पता चल भी गया तो ढिंढोरा पीटकर दुनिया को बताने वाला तो है नहीं कि उसका बाप चोर है, इसमें तो उसकी ही बदनामी होगी ना। नहीं मगर चोरी की बात। अगर मगर मत करो प्रमिला, एक काम करो तुम अंदर जाओ और मुझे इसके बारे में जरा सोचने दो।